प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? उत्तर, भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? उत्तर, 26 नवंबर 1949। प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 26 अक्टूबर 1962। प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर, अनुच्छेद 143। प्रश्न, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, संविधान संशोधन करने की शक्ति। प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? उत्तर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? उत्तर, अनुच्छेद 21A। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर, लोकसभा उपाध्यक्ष। प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? उत्तर, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश। प्रश्न, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 280। प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर, पंचायती राज से। प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 25 वर्ष। प्रश्न, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर, अनुच्छेद 17। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उत्तर, सुकुमार सेन। प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पुनर्तः लागू हुआ? उत्तर, 26 जनवरी 1950। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? उत्तर, राज्य के नीति निदेशक तत्व।